रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाहौर की बात के साथ आपके सामने एक दफा फिर हाजिर। आपका होस्ट अफनान अफजल मलिक। आज हमारा विजिट न्यू लाहौर सिटी को हुआ। न्यू लाहौर सिटी ठोकर नियाज बेग से तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फासले पे है, और 14-15 किलोमीटर के फासले के दौरान बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज से के सामने से गुजरना हुआ। तो बड़ा अजीब सा लगा कि लाहौर, जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि अब लाहौर तक महदूद नहीं रह गया। लाहौर जो है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट और इससे आगे मांगा मंडी तक जो है लाहौर की बेल्ट बन गई है। तो यहाँ शायकीन संडे के दिन, इतवार के रोज़ जब वो फ्री होते हैं अपने कारोबारी मसरूफिया से, तो वो विजिट्स के लिए निकलते हैं, क्योंकि बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोग्राम्स और प्लान चल रहे होते हैं। कोई इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं और कोई लोग सस्ते दे रहे हैं, कुछ सोसाइटीज़ और डिफरेंट इन्होंने स्कीम्स निकाली हुई हैं। तो बड़ा मुश्किल है एक आम इंसान के लिए इस चीज़ का तयन करना कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो रियल है और लोगों को डिलीवर कर रही है और कौन सी फेक है। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त बेजान नज़ीर। इस वक्त मैं न्यू लाहौर सिटी के अंदर मौजूद हूँ। इनका अपना एक प्रोजेक्ट है नेक्स्ट होम के नाम से, फातिमा होम का ये सब्सिडरी है और उनका जो सिस्टर कंसर्न है एक किस्म का। तो ये जो फातिमा होम्स हैं, इसका मैं बताता चलूँ कि ये फरहान बशीर UET ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर हैं, जिन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है, और साथ ही उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो है बेजान नज़ीर साहब नेक्स्ट होम के नाम से। तो हम इनसे पूछते हैं कि एक आम बंदे के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन का आरामद है जब वो किसी सोसाइटी में घर खरीदने के लिए जाएं, तो किन चीज़ों पे उनको नज़र रखनी चाहिए और किन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। बेजान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अफनान मलिक साहब, सबसे पहली बात आपकी प्रेजेंस के लिए आप हमारे पास आए, और बड़ी खुशी की बात है कि मीडिया से रिलेटेड हमारे पास कोई इधर शख्स विजिट कर रहा है, और मुझे ज़्यादा खुशी हुई है कि आप उसकी कन्फर्मेशन के लिए आए, सबसे पहली बात। और सेकंड, आपने जो क्वेश्चन किया है वो इस तरह से है कि लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि आया जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो मेरी सेव होनी चाहिए, ताकि मैं ऐसी सोसाइटी में करूँ जिस जगह पर मुझे पता चले कि NOC भी है उनके पास, उनकी लैंड भी प्रॉपर अपनी है, फिर उनके जो जितने फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं, किसी किस्म की कोई फेक और हिडन चीज़ ना हो जो कि क्लाइंट ने इन्वेस्ट करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट मतलब रिव्यू ना हो किसी भी हवाले से। तो इसलिए हमारा मतलब पर्सनल यही है कि आप आए विजिट कीजिए, और इसी वजह से हम लोग ओपन रखा हुआ कि आप आके देखें, इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए। हम लोग ये फातिमा होम्स के नाम से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ये न्यू लाहौर सिटी में है। न्यू लाहौर सिटी इस वक्त LDA से अप्रूव सोसाइटी है, और उसके साथ साथ हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आप घर बैठे सोशल मीडिया को तो ऑब्वियसली लोग आजकल बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि आप आके विजिट कीजिए। जब आप आके विजिट करते हैं तो फिर आप, जैसे आपने भी जिक्र किया है, जो हमारे फैसल बशीर साहब सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है ना वो अपनी जेरे निगरानी खुद करवा रहे हैं, वो किसी मतलब कॉन्ट्रैक्टर को या किसी ठेकेदार को मतलब इस तरह से स्पेयर नहीं करते। कंस्ट्रक्शन काम का मैार A+ मतलब हम नहीं कहेंगे, लेकिन A जो ग्रेड है कैटेगरी, वो इस वक्त अप्लाई हो रही है। आप आके देखिए किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इसमें सुई गैस की जो पाइपलाइंस हैं वो भी प्रॉपर सोसाइटी में इस वक्त जो है वो डिगिंग हो चुकी है, कंप्लीट है, पानी भी अवेलेबल है, सिक्योरिटी के सिस्टम्स काफ़ी मतलब अच्छे हैं। आप गेटेड कम्युनिटी है, आप आएँ आके देखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कीजिए। नाज़िर, हम जैसे सोसाइटी के गेट से अंदर एंटर हुए तो दोनों साइड पे कमर्शियल हब से गुजरते हुए मेन बुलेवार्ड रोड पर जब हम यहाँ से गुजरे तो यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है मौजूद हैं। पानी की फैसिलिटी है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा जो बाकी प्रोसेस में है प्रोजेक्ट सारे, इनके सुई गैस का और ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट यहाँ पे आप अपनी आँख से देख सकते हैं। तो जिस टाइम बेजान नज़ीर साहब कह रहे हैं कि जब तक आप अपने इस प्रोजेक्ट को जिन्होंने बाय करना है जब तक आँख से नहीं देख लेंगे, ऐनल यकीन नहीं हो जाएगा, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार रहेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा झुरमट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटीज लॉन्च हो रही हैं और इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा कौन सी फेक है कौन सी ठीक है, तो यहाँ पे विजिट करना ज़रूरी है। हम बेजान नज़ीर साहब से पूछते हैं, क्या एक आम बंदा जिसकी पॉकेट जो है सिर्फ 50 लाख की रेंज में है, क्या उसके लिए वाइबल है या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो अपना घर यहाँ पे बना सके? जी मलिक साहब, बहुत अच्छी बात है, हम लोग उनको फुली अकोमोडेट करेंगे।
सपोज जैसे मैंने बताया कि हमारा जो 3 मरला का घर है वो इस वक्त 60 लाख की मालियत में है और 2 साल की साथ में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगर वो कैश लेना चाहते हैं तो वो 55 लाख दे सकते हैं, 55 लाख रुपया। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैं 55 लाख या उसको 60 लाख नहीं पे कर पाता, तो वो कोशिश करे कि 50% तक पे कर दे और वेरी नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको घर की जो की है वो उसके हैंड ओवर कर राइट। बिदादसी साहब ने हमें बताया कि अगर आपकी पॉकेट 3 मरला या 5 मरले के हाउस की बाइंग की है और 5 मरले का इन्होंने फिगर बताया, अगर कैश पे लेंगे तो तकरीबन 90 लाख तक का मिलेगा, और जो इसी तरह से 3 मरले का है वो बना हुआ घर 60 लाख तक का ये दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास वसाइल नहीं है और पैसे कम हैं, तो अगर 3 मरले का आप लेने की विश रखते हैं जो जिसकी अमाउंट 60 लाख रुपया है, तो आप 50% ऑफ टोटल अमाउंट, 60 लाख का 50% मतलब 30 लाख रुपया दे के घर का पोजेशन और बना हुआ नया ब्रांड न्यू घर की चाबी इनसे ले सकते हैं और इस तरह वहाँ रिहाइश रख सकते हैं। इस कम्युनिटी के अंदर इस वक्त बेशुमार घर बने हुए हैं और लोग यहाँ पे रिहाइश रखे हुए हैं पहले से। तो बिलास साहब ये भी बता रहे हैं हमें कि अगर कोई 5 मरले का मकान लेना चाहता है जिसकी कीमत 90 लाख के नज़दीक है, तो अगर आप 45 लाख रुपया जो कि 50% है 90 लाख की, वो अगर अदा कर दें तो ब्रांड न्यू घर की चाबियां वो कस्टमर के हवाले कर देंगे और वो वहां रिहाइश रख सकता है। बिलास साहब हमें ये बताइए कि जिसके पास 50% की गुंजाइश तो है लेकिन आगे फर्दर पैसे देने के लिए नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट प्लान बताया कि 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान, आगे फर्दर हम दे देंगे उसको 50% दे चाबियाँ ले और बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करे, तो क्या पॉसिबल है कि इन घरों से दोबारा से जब वो पोजेशन ले लेते हैं तो कोई रेवेन्यू आना शुरू हो जाए ताकि उसको किस्तें लेने में आसानी हो जाए? जी जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने इसको ना 2 प्लान में डिवाइड किया हुआ है, इसको कैटेगराइज किया गया है कि अगर एक प्लान में आपकी इंस्टॉलमेंट जो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको अगर हैवी अमाउंट लग रही है तो आप उसको दूसरे प्लान में लें। अब दूसरे प्लान में हमने फोर्थ जो इसकी इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 साल की हमने टोटल ये वो बताई है ड्यूरेशन, उसके अंदर आप अप्लाई कीजिए 4 बाय एनुअल जो इसकी इंस्टॉलमेंट है। आप हैवी अमाउंट किसी भी वक्त, लोगों के आपको पता मैं डॉक्टर्स लोग या जिस लोग जॉब वाले हैं या जिनकी अर्निंग मतलब जिसे हम लोग कहते हैं BCs डाल के कमेटियाँ डाल के काम करने वाले, उनके लिए ये होता है कि वो आके इंस्टॉलमेंट को शॉर्ट कर लें और बाय एनुअल पेमेंट्स हर 6 महीने के बाद एक थोड़ी सी बड़ी अमाउंट साथ देते रहें। नहीं, अगर उनके पास ये बड़ी अमाउंट 6 महीने के बाद देने के लिए नहीं है तो उनके पास क्या तरीकेकार होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो ये 6 महीने वाली अमाउंट कटी कर सके? वो आपको बताया है कि आप जब घर 30 लाख दे के घर ले लेंगे आप उसी घर को रेंट आउट भी कर सकते हैं, आप उसका रेंट इकट्ठा कीजिए। अब आप यहाँ देखिए कि 3 मरले का हम लोग 22,000 रुपया रेंट आ रहा है। रिसेंटली हमारे ओवरसीज से क्लाइंट थे UK से, उन्होंने ये बाय किया है, उन्होंने आके 50% पे किया है 30 लाख रुपया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरे जो 30 लाख है वो मैं आपको 2 सालों में कंप्लीट कर दूंगा। अब उनका क्या है कि घर की जो हम लोगों ने उनको रेंट आउट कर दिया है, अब घर की जो अर्निंग है वो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो कुछ पैसे अकाउंट में भेज देते हैं, इसी तरह से उनकी इंस्टॉलमेंट भी पे हो रही है और उनकी प्रॉपर्टी भी सेव हो रही है। राइट, साहब ने हमें बताया कि इसमें एक और तरीका ये है कि आप घर को फौरी तौर पर रेंट पे दे दीजिए और आपको वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इसमें सोचने की बात ये है कि जहाँ पे इतनी सोसाइटीज फेक यहाँ लाहौर में काम कर रही हैं विदाउट NOC और NDA से अप्रूव्ड हुए बगैर वो काम कर रही हैं, तो ज़रा एहतियात कीजिए, ज़रा सोचिए कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसी सोसाइटी में आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसके अप्रूवल्स कम्प्लीट हैं और LDA अप्रूव है वो, और डिसाइड ये कि वो डिलीवर कर रही हो, जो पब्लिक को डिलीवर नहीं कर पा रही अपने ड्यू पीरियड के अंदर वो सोसाइटीज़ फेक हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी। और एक और चीज़ का इन्होंने बिजार साहब ने जिक्र किया कि हमेशा वो वाली प्रॉपर्टी बाय कीजिए जिसका टाइटल क्लियर है, जिसकी ऑनरशिप क्लियर है और जिसको अप्रूव किया हुआ है LDA ने। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। कुछ प्लॉट तैयार हो रहे हैं और ये 3 मरले के यूनिट ये फातिमा होम के लिए तैयार हैं, मतलब इन पे फौरी तौर पर अगर किसी को कोई विलिंग है तो ये इनके फातिमा होम्स के कुछ यूनिट 3 मरले के हैं वो तैयार हैं, बड़े खूबसूरत तैयार हैं और सिविल इंजीनियर फैसल बशीर साहब की अपनी और बड़े क्वालिटी कॉन्शियस हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतरीन जो चीज़ें डिलीवर करें, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पानी का जो
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आज फैमिली पार्क मौजूद है, इसके साथ बिसाइड कमर्शियल जो है चीज़ें वो कमर्शियल प्लाजा वो तमीर हो रहे हैं। न्यू लाहौर सिटी के अंदर फातिमा होम जो मार्केटेड बाय नेक्स्ट होम्स वाले कर रहे हैं, मेरे ख्याल में लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर रब्ता करें और यहाँ पे नेक्स्ट होम